नमस्कार राजस्व मणि गुरु, मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। सिर्फ केजीएफ को नहीं, बाहुबली और पुष्पा को भी पछाड़ आगे निकली पठान। जी हां, इस वक्त चर्चा में है पठान मूवी। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर धवाल मचा रही है। फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर ली है। यहाँ देखिए लेटेस्ट आंकड़े, यानी अजस्ट मनी गुरु में देखिए। बॉलीवुड के बेताज बादशाह शाहरुख खान ने 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर तहलका मचा दिया है। विरोध प्रदर्शन के बावजूद फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर ली है। फिल्म ने सबकी उम्मीदों के विपरीत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। इतना ही नहीं, फिल्म ने साउथ और बॉलीवुड की फिल्मों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिल्म ने ओपनिंग डे पर बम्पर कमाई की। सामने आ रहे शुरुआती आंकड़ों की माने तो फिल्म ने बुधवार को 52.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि पठान शाहरुख खान के करियर की पहली फिल्म बन गई है जिसने ओपनिंग डे पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक इससे पहले 2014 में शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर ने 44.97 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने यश स्टार केजीएफ प्रभास की बाहुबली और अल्लू अर्जुन अभिनीत पुष्पा राइस का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। केजीएफ बाहुबली और पुष्पा ने ओपनिंग डे में 18.10 करोड़ रुपए, 5.15 करोड़ और 45.78 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिल्म पठान ओपनिंग डे पर दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। पठान ने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 52.25 करोड़ रुपए, हैप्पी न्यू ईयर 44.97 करोड़ रुपए, भारत 42.30 करोड़ रुपए, प्रेम रतन धन पायो 40.35 करोड़ रुपए, सुल्तान 36.54 करोड़ रुपए, धूम 3 36.22 करोड़ रुपए और ब्रह्मास्त्र 36 करोड़ रुपए को भी पछाड़ दिया है। हालांकि फिल्म वॉर 53.35 करोड़ रुपए को मात देने में नाकामयाब रही।